पुणे के संजीति अस्पताल में भर्ती अन्ना हजारे की सेहत में सुधार हो रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अन्ना पहली बार बोले हैं। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ठीक हैं। जो लोगों को लगता था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो ऐसा नहीं है, उसमें काफी सुधार आ गया है। थोड़े दिन में मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो मेरी चिंता नहीं करना कोई, मेरे देश के देशवासियों के लिए और कार्यकर्ताओं के सबसे विनंती है कि मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं है, आप चिंता करने का कारण नहीं है। अन्ना का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी कहा है कि अन्ना के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अन्ना पर दवाइयों का असर साफ दिख रहा है। शाम को अन्ना की मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई। हालांकि डॉक्टरों ने अन्ना से करीब एक महीने तक अनशन न करने की गुजारिश की है। चेहरे पर थोड़ा सा थकावट लग रहा है, ये हमेशा जैसा चेहरा उनका भी नहीं है। एक्सरे चेस्ट के कराया गया, उसके अंदर ब्रोंकाइटिस है। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में काफी सारी सभी चीजें नॉर्मल ही है। उनका क्रिएटिनिन जो पहले बता रहे थे ज्यादा था, वो भी अभी नॉर्मल है, 0.8 ही है। उनकी वेट भी कल के रात के हिसाब से सवेरे तक दोपहर तक 200 ग्राम बढ़ गया हुआ है। अन्ना बीमार क्या हुए कि पूरा देश अन्ना के लिए उठ खड़ा हुआ है। हर कोई अन्ना के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। दिल्ली में किरण बेदी के नेतृत्व में अन्ना समर्थक बापू की समाधि राजघाट पर जमा हुए। यहां अन्ना के लिए एक प्रार्थना सभा की गई। इस दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर्स ने लोकपाल की लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने का संकल्प लिया। हमने प्रार्थना की अन्ना की तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि अगली बारी अगर अन्ना जी को आना पड़े वापस रामलीला ग्राउंड, तो सारा देश उनकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा मिलाएगा। ऊर्जा के साथ आए, खूब तंदुरुस्त होकर आए, ताकि वो लंबी लड़ाई लड़ सके, अगर ऐसी सरकार चाहती है तो। उधर संसद में अन्ना के अनशन पर चुटकी लेने वाले लालू यादव भी अब अन्ना के आलोचक की बजाय अन्ना के शुभचिंतक हो गए हैं। उन्होंने माना कि देश को अन्ना की जरूरत है। हमारी हार्दिक शुभकामना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, उनकी जरूरत है देश में। अन्ना जी ने तो ये तो काम तो जरूर किया, अवेयरनेस फैलाया, ज्यादा दबाव बनाया। अन्ना के अस्पताल में जाने से सबसे ज्यादा असर उनके गांव रालेगंज सिद्धी में पड़ा है। अन्ना की सेहत को लेकर अन्ना के परिवार से लेकर पूरा गांव चिंतित है और उनके जल्द लौटने का इंतजार कर रहा है। दिल्ली अगले 72 घंटे सफेद कोहरे से लिपटी रहेगी। रविवार को दिल्ली में हुई बारिश से मौसम ने करवट ली। कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन दिल्ली के आसमान में ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। दोबारा से इसमें गिरावट आएगी और जो अभी 8 है ये कल परसों और अगला दिन, यानी कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी, इन 3 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, खासकर जो नाइट टेम्परेचर है, और ये गिर के 5 के आसपास दोबारा से आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 और 4 जनवरी को दिल्ली में और NCR के कुछ इलाकों में कोहरा दोबारा से लौट के आ जाएगा। मौसम में आए बदलाव की वजह हिमालय रीजन में डिस्टरबेंस को माना जा रहा है, जिससे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में और भी ज्यादा बारिश होने की स्थिति बनी रहेगी। कोहरे की मार का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरे की वजह से करीब 69 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 12 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और देश के दूसरे राज्यों से चलने वाली 27 ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें कितने घंटे की देरी से चल रही हैं। हीराकुंड एक्सप्रेस करीब 24 घंटे की देरी से चल रही है। महाकौशल एक्सप्रेस 12 घंटे की देरी से, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 12 घंटे की देरी से, इसके अलावा भागलपुर गरीब रथ 8 घंटे की देरी से चल रही है। आज दिल्ली की CBI अदालत में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की फिर सुनवाई शुरू होगी। एक सप्ताह के ब्रेक के बाद इस मामले में आरोपी पूर्व संचार मंत्री एराजा, DMK सांसद कनिमोड़ी और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों पर फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले 2G मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में हर रोज इस मामले में सुनवाई हो रही थी, लेकिन सर्दियों की वजह से एक सप्ताह के लिए अदालत की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज कोर्ट में ए राजा और उनके पूर्व सहयोगी ए आचार्य का आमना सामना कराया जा सकता है। CBI ने आचार्य को राजा के खिलाफ गवाह बनाया है, लेकिन राजा का आरोप है कि CBI आचार्य से झूठी गवाही दिलवा रही है। आचार्य राजा का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी था, जो अब CBI का अहम गवाह बन चुका है। आचार्य ने कोर्ट को बताया कि ए राजा की टेलीकॉम कंपनियों के बड़े अफसरों से सांठगांठ थी।
नए साल पर दिल्ली मेट्रो में वायर हेड के टूटने से खराबी आ गई, जिससे बाराखंबा और प्रगति मैदान स्टेशन के बीच मेट्रो को बिजली सप्लाई बाधित हो गई। यह हालत तकरीबन 3 घंटे तक बनी रही। इस वजह से द्वारका वैशाली रूट पर हजारों यात्री देर रात तक परेशान रहे। तार टूटने से इस रूट पर यातायात ठप हो गया और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यूपी के उन्नाव में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग हरदोई से स्कॉर्पियो से वापस उन्नाव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में फतेहपुर चौरासी इलाके में इनकी गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि गाड़ी में सवार 11 माह की एक बच्ची को खरोंच तक नहीं आई। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन आज से शुरू हो रहा है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सभी स्कूलों में आज से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा और फॉर्म मिलने लगेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 जनवरी तय की गई है। 31 मार्च तक एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चाट की दुकान में सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना कोतवाली क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके शिवचौक मार्केट में हुई। दरअसल इलाके के राजन चाट भंडार नाम की इस दुकान में नए साल पर कुछ लोग और महिलाएं अपने बच्चों सहित चाट खा रहे थे, तभी दुकान में रखे LPG सिलेंडर में विस्फोट हो गया और देखते ही देखते दुकान में भयंकर आग लग गई। आग ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान पर काम कर रहे दुकानदार सहित 20 लोग आग से बुरी तरह झुलस गए। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में समंदर के किनारे एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 55 साल की इस बुजुर्ग महिला की लाश वर्ली इलाके के वर्ली सी फेस स्थित समुद्र तट में पत्थरों के बीच मिली। लाश मिलने की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले और उसके शरीर से गहने गायब थे। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि लूट के लिए महिला की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक फ्रिज के फटने से सनसनी मच गई। इस फ्रिज को प्रवीण कुमार तिवारी ने करीब 8 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन कल रात अचानक से इससे आग निकली और थोड़ी देर बाद फ्रिज फट गया। देखिए फ्रिज की वजह से इस कमरे का क्या हाल हुआ है। घटना के वक्त घर में 8 लोग सो रहे थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। फ्रिज कैसे फटा फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, शराब और हथियार की तस्करी करने वाले लोग सक्रिय होते जा रहे हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके की पुलिस ने हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से हथियार तस्कर यासीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यासीन इस फैक्ट्री में ऑन डिमांड 32 बोर, 315 बोर और 12 बोर के तमंचे तैयार करता था। पुलिस ने यासीन के पास से करीब आधा दर्जन हथियार बरामद किए हैं। हथियारों की इस फैक्ट्री से तमंचा बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस अब यासीन से पता लगाने में जुटी है कि उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ झूठी शान के नाम पर एक प्रेमी जोड़े को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि सरिता नाम की महिला की अपने ससुराल वालों के साथ अनबन चल रही थी। कुछ महीने पहले जब सरिता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तो वो अपने मायके लौट आई, लेकिन मायके वालों ने भी उसे घर में नहीं रखा, जिसके बाद वो अपने पुराने प्रेमी देवेंद्र के साथ रहने लगी। लेकिन सरिता के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई और दोनों को अलग रहने का फरमान सुना डाला। लेकिन जब सरिता और देवेंद्र ने ऐसा नहीं किया तो सरिता के भाइयों ने दोनों को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देवेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि सरिता की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के धार में एक बंदर की शव यात्रा निकाली गई। लोगों के मुताबिक इस बंदर की मौत बिजली के करंट लगने से हुई। बंदर की मौत के शोक में गांव की सारी दुकानें बंद कर दी गईं और लोगों ने इंसान की तरह बंदर की शव यात्रा निकालने का फैसला किया। पता चला कि अनर स्वरूप हनुमान देवता का देवस्थान हो गया, तो सभी ग्रामीण लोग ने पूरा बाजार बंद कर सब एक जगह एकत्रित होकर उन्होंने सभी ने शव यात्रा में भाग लिया। पूरे बैंड बाजे के साथ बंदर की शव यात्रा निकाली गई और हिंदू रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। गाँव के लोगों ने अपने बाल भी मुड़वाए। नए साल के पहले दिन वाराणसी के गंगा घाट पर संध्या आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि कल दिन भर पानी बरसने का दौर चला, लेकिन बरसात में भी भक्त छाता लिए खड़े रहे और पूरी आरती के अद्भुत नजारे को देखा। मां गंगा के घाट के अलावा शहर के मंदिरों में भी कल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव की नगरी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा श्री काल भैरव के मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की।
नोएडा में छेड़खानी का विरोध करने पर दो युवकों को गोली मार दी गई। घटना सेक्टर 18 के कॉफी हाउस की है। यहाँ नया साल मनाने कई लोग पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि कॉफी हाउस में लड़कियों से कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे, तभी वहाँ मौजूद सुमित और सुखविंदर ने मनचले लड़कों का विरोध किया, जिसके बाद चारों मनचले लड़कों ने दोनों को गोली मार दी। अमेरिका के हॉलीवुड में एक बार फिर आग लगने से चार कारें खाक हो गईं। नए साल के ठीक एक दिन पहले की शाम को लॉस एंजलिस में चार कारों में अचानक आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल दो दिन पहले ही इस इलाके में एक अनजान शख्स ने यहां दो दर्जन जगहों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस अफसरों के मुताबिक इन चार कारों में आग लगने के पीछे उसी संदिग्ध का हाथ माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले में अभी जाँच और भी तेज कर दी है। ईरान ने रविवार को मध्यम दूरी पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। टीवी फुटेज में दिख रही है मिसाइल जमीन की सतह से हवा में मध्यम दूरी पर मार करने वाली नई तकनीक से लैस है और ये बहुत छोटे ठिकानों पर भी मार कर सकती है। परीक्षण फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास विलायत 90 के दौरान किया गया। 24 दिसंबर को शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 10 दिन तक जारी रहेगा। ये मिसाइल परीक्षण खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक सेना के एक अभ्यास के दौरान किया गया। टर्की में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। बुधवार को सेना की कार्रवाई में 35 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रविवार को भी हिंसा का दौर जारी रहा। देखिए कैसे पुलिस वाला लोगों पर गोलियां चला रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी टैंक के सामने से हटने को तैयार नहीं है। इस्तांबुल के नजदीक सारीगाजी में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी अपना मार्च शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, जिसमें टर्की की विपक्षी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। लंदन में नए साल की सालाना परेड में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। सांस्कृतिक और रंगारंग तौर तरीकों से सजी इस परेड को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। परेड में अमेरिका से आए मार्चिंग बैंड के साथ डांसर्स और चीयर लीडर्स भी शामिल थी। हर साल आयोजित होने वाली ये परेड अपना 26वां सालगिरह मना रही है। 3.5 किलोमीटर तक का फासला तय करने वाली यह परेड लंदन की गलियों से होकर बिग बेन क्लॉक टावर पर जाकर खत्म होगी।